इंटक संगठन का धरना 12वें दिन भी जारी। श्री रमेश व्यास जी के नेतृत्व में जयपुर में ऊर्जा मंत्री व सीएमडी से मिला प्रतिनिधिमंडल। धरना स्थल पर 2004 के तकनीकी कर्मचारियों को बजट में पेंशन देने की घोषणा पर मिठाई बांटकर किया खुशी का इजहार। सूरतगढ़ थमल के मुख्य द्वार पर 1997 व 1998 में नियुक्त तकनीकी कर्मचारियों को टाइम बाउंड प्रमोशन पॉलिसी के तहत प्रमोशन की मांग को लेकर इंटक संगठन का अनिश्चितकालीन धरने का 12वें दिन भी जारी रहा। आज धरना स्थल पर सभी कर्मचारियों ने राजस्थान के ओजस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत द्वारा जारी बजट में 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को पेंशन देने की घोषणा व वेतन विसंगतियां दूर करने को लेकर धरना स्थल पर मिठाई बांधकर अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाए। महामंत्री श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि आज राजस्थान इंटक के सेक्रेटरी जनरल श्री रमेश व्यास जी के नेतृत्व में जयपुर में एक प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा मंत्री माननीय श्री भंवर सिंह भाटी व सीएमडी श्रीमान आर के शर्मा जी से तकनीकी कर्मचारियों की टाइम बाउंड प्रमोशन पॉलिसी की मांग को लेकर चल रहे धरने के संबंध में मिला। ऊर्जा मंत्री महोदय ने तुरंत प्रभाव से सीएमडी व फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों को इसे तुरंत लागू करने के आदेश दिए। इसके साथ ही सीएमडी श्रीमान आर के शर्मा जी ने भी फाइनेंस डायरेक्टर व सीपीओ साहब को बुलाकर तुरंत प्रभाव से समाधान करने हेतु आग्रह किया। विषय रेलवे स्टेशन रोड का निर्माण कराने व टीडी दल बीकानेर रोड पर हो रहे अवैध बेशकीमती भूमि को कब्जा मुक्त कराने बाबत श्रीमान जी उपरोक्त विषय में लेख है कि शहर से सटी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 पर करोड़ों की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर आम आदमी पार्टी आक्रोशित है। स्थानीय प्रशासन से मांग करती है कि इन अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। टिड्डी दल कार्यालय के पास रात्रि के अंधेरे में चार दीवारी का निर्माण किया गया जो कि बदस्तूर जारी है। इस भूमि के मालिकाना हक को लेकर पहले भी दो पक्ष आमने सामने हो चुके हैं। मामला सिटी थाने तक पहुंचा तो पुलिस ने दोनों पार्टियों को पाबंद कर छोड़ दिया, परंतु उसके बाद उस भूमि पर रात से निर्माण कार्य जारी है। नगर पालिका आंख मूंद कर बैठी है। शहर से सटी करोड़ों रुपए की भूमि भूमाफिया आए दिन अतिक्रमण कर बेच रहे हैं, जो कि न्याय संगत नहीं है। नगर पालिका इन पर अपना मालिकाना हक रखती है तो उसकी तारबंदी करवा कर इस भूमि को ऑक्शन के द्वारा बेचा जाए, जिससे नगर पालिका को करोड़ों रुपए की आय हो सकती है। इन अतिक्रमण के खिलाफ आप पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। अगर प्रशासन द्वारा इस पर उचित कार्रवाई नहीं की जाती है, धरना प्रदर्शन के साथ भूख हड़ताल से भी सरकार और स्थानीय प्रशासन को जगाने का काम करेंगे। श्रीमान जी नेताजी सुभाष चौक से लेकर त्रिमूर्ति मंदिर तक टूटी हुई सड़क काफी समय से जर्जर हालत में पड़ी है। नगर पालिका प्रशासन को कई बार लिखित में भी दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक इस सड़क का निर्माण नहीं किया गया है। शीघ्र ही इस सड़क का निर्माण करवाया जाए, अन्यथा आम आदमी पार्टी स्थानीय प्रशासन के समक्ष आंदोलनात्मक कदम उठाएगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी। राधेश्याम उपाध्याय, विधानसभा अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी, सूरतगढ़। राजकीय माध्यमिक विद्यालय नंबर 4 में सत्र 2021 तथा 2022 की पात्र छात्राओं को राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत निःशुल्क साइकिल वितरण समारोह पूर्वक किया गया। कार्यक्रम में पधारे अतिथियों श्री हजारी राम मील प्रधान, श्री ओम प्रकाश कालवा नगर पालिका चेयरमैन, पार्षदगण श्री अजय देवगन, श्री सुरेश गवरिया, श्री जगदीश मेघवाल, समाज सेवी श्री राजाराम गोदारा, श्री भागीरथ मुंड, श्री अमित कल्याणा, श्री गोविंद नायक एवं प्रधानाध्यापक श्री सुमेर सिंह ने छात्राओं को साइकिलें वितरित की। मंच संचालन श्री विशाल डोडा वरिष्ठ अध्यापक ने किया। शाला स्टाफ के सदस्य श्री मोहनलाल शर्मा, श्री हरीश दुआ, श्री प्रेम जोशी, श्री बलजीत सिंह, श्रीमती जीत कौर, श्रीमती सुनीता एवं श्रीमती सर्वजीत कौर ने पधारे हुए अतिथियों तथा अभिभावकों का स्वागत किया। अधिशासी अभियंता सूरतगढ़ ब्रांच जल संसाधन खंड प्रथम सूरतगढ़ के अधीन कुल 4 जल उपयोगिता संगम के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरे गए। जल संसाधन खंड प्रथम सूरतगढ़ के चुनाव प्रभारी श्री मनोज कुमार पाटनी व श्री कृष्ण लाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी एवं मीडिया प्रभारी हरीश शर्मा जिलेदार ने बताया कि भोजीवाला द्वितीय वितरकर व किशनपुरा माइनर जल उपयोगिता संगम के अध्यक्ष पद के लिए 5 नामांकन पत्र भरे गए, जिसमें प्रभु दयाल भागीरथ, मामराज पुत्र भागीरथ, मामराज पुत्र रूपराम एवं सतपाल के नाम शामिल है। वह उक्त वितरकर में सदस्य पद के लिए सभी 8 सदस्य निर्विरोध चुने गए। बीकानेर से नशा मुक्ति का संदेश देने हेतु 900 किलोमीटर यात्रा पर निकली स्काउट की रैली आज सूरतगढ़ से श्री गंगानगर के लिए रवाना हुई। इस साइकिल रैली को उपखंड अधिकारी श्री कपिल कुमार यादव ने झंडी दिखाकर रवाना किया। खेजड़ी मंदिर के पास वार्ड न 6 रिटायर सब इंस्पेक्टर प्रभु दयाल जी के घर में सिलेंडर लीकेज होने की वजह से आग लग गई।
आग की वजह से जान माल का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। आग को श्रवण कुमार पुत्र पूर्ण चंद पनवार की समझदारी से जल्दी ही बुझा दिया गया। इसी वार्ड की यह सिलेंडर से आग लगने की दूसरी घटना है। कुछ दिन पहले भी इसी वार्ड में सिलेंडर से आग लगी थी, जिसे दमकल विभाग द्वारा आग पर काबू पाया गया। आज हम शूटिंग कर रहे थे तो मुझे घर से फोन आया कि घर में सिलेंडर वगैरह में और उसमें चूल्हे के अंदर आग लग गई है। तो हम तुरंत मतलब ये कल्याण भूमि के ऊपर शूटिंग कर रहे थे शिवरात्रि के ऊपर, तो जाते ही जो कंडीशन थी वो ज़्यादा ख़राब थी, आग वगैरह ज़्यादा लगी हुई थी। तो इन भाई साहब को भोले की कृपा से मतलब सारी नॉलेज थी, तो इन्होंने जाते ही रेगुलेटर को बंद किया और गीले कपड़े से और गीले बोरी से उसको सिलेंडर को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया। तो एक तरीके से इस चीज़ को ऐसे भी कह सकते हैं कि जो यहाँ पे सिलेंडर वाले लापरवाही कर रहे हैं विदाउट चेक किए हुए जो सिलेंडर लोगों तक पहुँचाते हैं, तो इस दुर्घटना में आज के दिन तो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है घर का। कुछ डब्बे वगैरह जले हैं, चूल्हा जला है। कल को ये बुरी कंडीशन भी हो सकती थी, कोई इंसान की जान ऐसा भी हो सकता था, इससे कोई इंसान की जान जा सकती थी, कोई घर को ज्यादा नुकसान हो सकता था। तो इस तरीके की जो ये लापरवाही जो यहाँ पे सिलेंडर में विदाउट चेक करे हुए देते हैं, तो उस चीज के ऊपर कोशिश करें वो इस चीज को कंट्रोल करें। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 पर हुआ हादसा। राजियासर प्रेमनगर के बीच दो ट्रकों में हुई आमने सामने भिड़ंत, टक्कर से एक ट्रक पलटा। घटना में दो लोग हुए घायल, घायलों को लाया गया चिकित्सालय। राजियासर पुलिस मौके पर।